गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो योर फर्स्ट टर्म इज गोइंग टू स्टार्ट। वी ऑल्सो हैव टू डू रिविजन वर्क, बट बिफोर डैट वी विल कम्प्लीट वाट इज लेफ्ट ऑफ चैप्टर सेकेंड एंड रिविजन वर्क विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, सो यू विल पे अटेंशन टू चैप्टर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर सेकेंड पे अटेंशन देना है। टूडे वी विल स्टार्ट रीडिंग स्ट्रेट अहेड बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन द वर्ड मीनिंग्स डैट विल कम नेक्स्ट। लेट्स स्टार्ट नाउ। आज हम यहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि पहले ही हम वर्ड मीनिंग्स को ले चुके हैं। तो कम ऑन ऑल स्टूडेंट्स, फोकस ऑन दिस वन। डायरेक्शंस ऑन ए मैप। डायरेक्शन क्या होती है? दिशाएं होती है। ऑन ए मैप, एक नक्शे के ऊपर। देयर आर फोर मेन डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। देयर आर फोर मेन डायरेक्शन। कितने डायरेक्शन होते हैं हमारे? चार डायरेक्शन होते हैं जो खास मुख्य माने जाते हैं। नॉर्थ होता है, नॉर्थ मीन्स होती है उत्तर दिशा, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूर्व एंड वेस्ट पश्चिम। ओके, पश्चिम दिशा होती है ना, तो वेस्ट होता है। इफ यू स्टैंड फेसिंग ए मैप द टॉप ऑफ द मैप शोज नॉर्थ। इफ यू स्टैंड, यदि आप मान लीजिए खड़े रहते हैं फेसिंग ए मैप, उसके मैप के सामने खड़े रहते हैं। फेसिंग ए मैप यानी सामने की तरफ। द टॉप ऑफ द मैप शोज नॉर्थ, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, टॉप होती है, टॉप यानी ऊपरी हिस्सा, तो मैप का शो करता है। शो करना मतलब दिखाना। कौन सी दिशा दिखाएगा हमें? नॉर्थ। तो कौन से डायरेक्शन की तरफ दिखाएगा? नॉर्थ में। तो नॉर्थ इज ए उत्तर दिशा, तो हमारी नॉर्थ कौन सी दिशा होती है? उत्तर होती है। ओके स्टूडेंट्स, द बॉटम ऑफ द मैप शोज साउथ। बॉटम, बॉटम मीन्स होता है नीचे तल, जो मैप का होता है वो शोज करता है। शोज करना मतलब दिखाता है। साउथ क्या दिखाता है हमें, क्या बताता है वो? कि साउथ है, साउथ यानी दक्षिण दिशा है। तो देखिए, ऊपर जो हमारे टॉप का हिस्सा है वो तो नॉर्थ हो गया, और जो बॉटम वाला है वो कौन सा पोर्शन होता है हमारे? साउथ। इज़ इट क्लियर? टू योर राइट इज ईस्ट एंड टू योर लेफ्ट इज वेस्ट। टू योर राइट, जब आप राइट दिशा की तरफ देखते हैं, मतलब राइट अपने तरफ, राइट मीन्स क्या होता है? सीधा होता है ना, आप दाहिना भी कहते हैं। तो जो दाहिनी दिशा होती है उधर क्या होगा हमारा? ईस्ट होगा। ईस्ट मीन्स पूर्व, और सन किधर से राइज होता है? ईस्ट से। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी कौन से डायरेक्शन होगा? ईस्ट होगा। एंड टू योर लेफ्ट इज वेस्ट, और आपकी जो लेफ्ट दिशा होगी यानी बाएं दिशा कहेंगे जिसे, वो हमारी वेस्ट होगी यानी पश्चिम दिशा होगी। इजंट इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट, द डायरेक्शंस आर ऑलवेज शोन इन द सेम वे इन ऑल काइंड्स ऑफ मैप्स। द डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन दिशाएं, आर ऑलवेज हमेशा शोन करती है। देखिए, शो होता है ना, अभी हमारे शोज वर्ड आ रहा है, इसी की जो थर्ड फॉर्म्स होती है, मतलब उसमें शोन का प्रयोग करते हैं। इन द सेम वे, मतलब दिखाया जाता है सेम वे, उसी तरीके से। इन ऑल काइंड्स ऑफ मैप, सभी प्रकार के मैप में जो होता है हमेशा यही तरीका दिखाया जाता है। कैसे तरीका? डायरेक्शंस होते हैं उसमें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब डायरेक्शन होते हैं। यानी ऑलवेज सभी मैप में हमारे यही तरीका फॉलो किया जाता है, सभी में यही दिखाया जाता है। तो सेम वे यानी वही तरीका होता है। इन ऑल काइंड्स ऑफ मैप्स, सभी प्रकार की जो मैप्स होते हैं, नक्शे होते हैं, उसमें यही दिखाया जाता है, यानी दिशाओं को दिखाया जाता है। और देखिए, कितना क्लियर हो जाता है यदि हम डायरेक्शन को देखेंगे, तो उससे हमें समझना भी आसान हो जाएगा कि नॉर्थ में कि कौन कौन से हमारे कंट्रीज हैं, कौन सी स्टेट्स आ रही है, कौन सी कैपिटल्स आ रही है। तो ये हम इजंट क्लियरली हम इसको समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द मैप्स। दीज, ये जो डायरेक्शन होती है ना, ये दिशाएं होती है, हेल्प करती है हमारी, हेल्प यानी सहायता करती है, अस यानी हमारी, टू लोकेट यानी, लोकेट यानी स्थिति को बताने के लिए, डिफरेंट यानी अलग, भिन्न होते हैं ना प्लेसेस होते हैं, अलग अलग स्थान होते हैं ऑन द मैप, उसको बताने में हमारी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। कौन सा डायरेक्शन किस में है, क्या चीज चल रही है, इसको बताने में हमें सहायता करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए चैप्टर में कंप्लीट हो गया, और ये वर्ड्स आपके जो है, पहले हमने इसको आपको लिखवाया है, डायरेक्शन
है ना, तो इसको फोकस करेंगे डी आई आर ई सी टी आई ओ एन एस. डायरेक्शंस होते हैं हमारी दिशाएं. मैन है एम ए आई एन, मैन यानी मुख्य होता है. एन ओ आर टी एच नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स उत्तर दिशा. एस ओ यू टी एस साउथ, दक्षिण. ई ए एस टी ईस्ट यानी पूर्व. डब्ल्यू ई एस टी वेस्ट यानी पश्चिम. ओके. एस टी एन डी स्टैंड, स्टैंड यानी खड़ा होना होता है ना, तो ये खड़ा होना. एफ ई सी आई एन जी फेसिंग करना. फेस होता है फेस यानी चेहरा भी होता है, आप जानते हैं ना. एफ ई सी ई ए होता है, लेकिन यहाँ फेस करना यानी सामना करना होता है. ये सामने से लिया गया है तो फेसिंग का है मैप. तो आप जब सामने होते हैं मैप के तो शोज करना. एस एच ओ डब्ल्यू है, शोज मीन्स दिखाना, वो दिखाएगा. बॉटम बी ओ डबल टी ओ एम, बॉटम यानी तल होता है, नीचे का हिस्सा होता है. ओके स्टूडेंट, तो ये मीनिंग्स हैं, ये जो आप पहले भी आप इसको रीड कर चुके, इसीलिए मैंने अब क्या इसमें अपने जो पैरे के अंदर जो मीनिंग्स थे मैंने उनको आपको लिखाया नहीं है. तो इसलिए यू डोंट कन्फ्यूज अबाउट दिस, कि आप ये नहीं सो मैम ये वर्ड मीनिंग्स नहीं है इसमें, इसमें यही चीज़ें हैं. तो ये डायरेक्शन है, मैन है यहाँ पे, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट है, टॉप है, बॉटम है, साउथ, यहाँ पे वापस वही वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, एंड राइट एंड लेफ्ट. व्हाट इज दिस राइट एंड लेफ्ट? राइट यानी सही भी होता है, लेफ्ट यानी तो यही क्या है यहाँ पे, राइट का मतलब हो गया हमारे दाहिनी दिशा, दाहिनी तरफ, एंड लेफ्ट यानी बाई तरफ. ओके स्टूडेंट, तो ये सारे वही चीज़ें फोकस. तो ऑलवेज ये तो हमारे आज चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है. इसमें हमने क्या क्या रीड किया, हमने ग्लोब्स के बारे में पढ़ा, ओशंस पढ़ा, कॉन्टिनेंट्स पढ़ा, एंड मैप्स पढ़ा. आपने सबने पढ़ा ना मैप्स हमारे कितने हेल्पफुल होते हैं, वो हमें पूरी तरह से हमें इतने हेल्पफुल होते हैं कि हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है कि कोई भी हमें देखना होता है कि वेयर इज द स्टेट, कौन से स्टेट कहाँ है, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है और आप उस पर फोकस कर सकते हैं कि कहाँ क्या चीज़ है. ओके, तो डेट्स इनफ फॉर टुडे एंड थैंक्स यू.